Hey guys, subscribe to my channel और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion You Chetna और in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक beautiful लहंगा look। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एक संगीत मेकअप लुक। यू नो अभी वेडिंग सीजन है तो संगीत का लुक जो है बहुत रिक्वायर होता है लोगों को, तो यहाँ पे मैंने लहंगे के साथ में एक संगीत लुक रेडी किया है जिसमें मैंने वियर किया है एक वेलवेट डिज़ाइन का लहंगा विद नेट दुपट्टा। आप इस लहंगे के साथ में, इस टाइप के लहंगे के साथ में कैरी कर सकते हो गोल्डन ब्लाउज और सेम लहंगे के मैचिंग का भी वेलवेट ब्लाउज कैरी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वियर किया है एक ब्यूटीफुल सा नेक पीस विद साउथ इंडियन झुमकास और बिंदी लगाकर मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इस लहंगे के साथ में वियर किए हैं हील्स, आप देख सकते हैं गोल्डन एंड ब्राउन कलर के हील्स, और उसी के साथ में मैंने वियर करी है फिंगर रिंग्स एंड बैंगल्स जो कि इस लुक के साथ में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेकअप लुक। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद, यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की का प्राइमर। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर जो कि एले गर्ल का है, इसमें मेरा शेड है प्योर बेज। मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी इसलिए मैंने अपने आईज़ पर कंसीलर अप्लाई कर लिया ताकि मेरा आईज़ का लुक जो है इवन लगे। अब मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी अन ईवन या हार्श लाइन ना दिखे। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी मैं। कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन का जेल आईलाइनर। आज हमको जो है क्रीज मेकअप लुक करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल आईलाइनर और उसे अपने आई के आउटर वी पर अप्लाई कर लूँगी। इस जेल आईलाइनर को अपने दोनों आउटर वी की आईज पर अप्लाई कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरीके से मैंने जेल आईलाइनर जो है अप्लाई कर लिया है, मुझे क्रीज लाइन के अबाव नहीं जाना है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश जिसकी हेल्प से मैं इस जेल आईलाइनर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देखिएगा मैं एक सर्कुलर मोशन में इस जेल आईलाइनर को ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का न्यूड पैलेट, उसमें से ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी और इस जेल आईलाइनर पर फ्लफी ब्रश की हेल्प से इस ब्लैक आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो जेल आईलाइनर है वो कहीं स्प्रेड ना होए और मेरे आईज़ का लुक बहुत ही अच्छा लगे, कोई अनइवन या फैला हुआ सा ना लगे ब्लैक जो आई शेडो है वो। अब उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी सेम पैलेट में से ब्राउन आई शेडो और उसे जो है ब्लैक और ब्राउन को अच्छे से मिक्स करके अपनी पूरी आईज पर ब्लेंड करके क्रिएट कर लूँगी एक आई लुक इस तरीके से। अब मैंने सेम आई शेडो पैलेट से गोल्डन कलर पिक किया है और उसे अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, दोनों आईज पर अच्छे से गोल्डन कलर को अप्लाई कर लूँगी। अब उसके बाद में मैं मेबलिन का सेम जेल आईलाइनर ले रही हूँ और उसे अपने एज ए आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज पर इस तरीके से। मुझे कोई वी क्रिएट नहीं करना है, मुझे नॉर्मल आईलाइनर अप्लाई करना है। इस तरीके से मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया, इसे मैं अपने दोनों आईज पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का 310 शेड फाउंडेशन एंड लॉरियल का 150 फाउंडेशन, दोनों को मिक्स करके अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने फेस पर, फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। याद रहे हमें नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना है। फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद मैं सेम कंसीलर को अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर लूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे कॉम्पैक लॉरियल का मैट मैजिक कॉम्पैक उसे पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर, उसे मैं एक स्लिम ब्रश की हेल्प से अच्छे से मार्क कर लूँगी कॉन्टोर
अपने फेस पर। उसके बाद में मैं बड़े वाले कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी अपने जो लाइन की और चिक बोन की। देन अपने फॉरहेड की भी कॉन्टोरिंग कर लूँगी और नोज़ पर भी जो मैंने मार्क किया है कॉन्टोर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप सेपरेट देखना चाहते हो कॉन्टोरिंग तो उस पर भी मेरे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँ लैक्मे 9 to 5 का ये ब्लश जिसमें मेरा शेड है रफ रोज़। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा ब्राउनिश पीची कलर है ब्लश, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं ब्लश ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का हाइलाइटर। एक बिग फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं नोज़ की हाइलाइटिंग मैं कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन उसके बाद में मैं मेबलिन की ये ड्यू शार्पर आईब्रो पेंसिल जिसमें मेरा शेड है ब्लैक, उससे स्मजर की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। देन उसके बाद में मैं एक स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर लूँगी ताकि मेरी आईब्रो बहुत अच्छे से सेट करी हुई दिखाई दे। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस मैग्नेटाइज आई काजल। यहाँ पे मैं काजल हाफ ही अप्लाई करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पर। उसके बाद में मैं एक स्मजर की हेल्प से अपने काजल को बहुत अच्छे से स्मज कर लूँगी। ये एक ब्यूटीफुल लुक लगता है स्मज करने के बाद में। उसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर पिक करूँगी और एक दूसरे स्मजर ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउन आई शेडो को अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा आईज़ का लुक जो है बहुत अच्छा लगे। देन उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी एक प्रिसाइज ब्रश और सेम आई शेडो पैलेट में से मैं यूज़ कर रही हूँ एक शिमर गोल्डन कलर और उसे अपने आईज़ के इनर वी पर अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद में अपनी ब्रॉ बोन पर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने अपने आईज़ की भी हाईलाइटिंग कर ली। उसके बाद में मैं सेम कंसीलर को जो है अपने आईब्रो के नीचे अप्लाई करूँगी क्योंकि हमें राउंड क्रीज ही आज मेकअप लुक देना है, तो मैंने कंसीलर अप्लाई करके ताकि कहीं पर भी आई शेडो हो तो उसको कवर अप कर ले। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये मस्कारा। ये इससे मैं अपने लैश लाइन को अच्छा सा वॉल्यूम दे दूँगी। लैश ट्रांसिशन मस्कारा है ये मेबलिन का। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की ये अल्ट्रा मैट लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है ग्रेस, उसे अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर, जो कि इस लुक के साथ में बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक। यू कैन सी गाइज दिस इज़ ब्यूटीफुल लुक।